फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और स्टाम आए हैं मंदिर और यहाँ भागवत हो रही है। जो उमा देवी जी हमारी आंटी हैं वो भागवत करा रही हैं। आप लोगों को हम उनसे मिलवाते हैं, जानते तो हो गए ही, फिर भी मिलवाते हैं, बताते हैं, बताएंगी वो कि भागवत कैसी है, कितनी दूर की। ये हमारी उमा आंटी और ये भागवत हो रही है मंदिर में और आंटी करा रही हैं। उन्होंने अपनी सारी फैमिली बुलाई है, इनकी फैमिली को हम आपको वीडियो में दिखा चुके हैं। आंटी ये बताइए, भागवत आपने किस उद्देश्य से कराई है? अपने पुरखों की उसके यादगार में, अपने ईश्वर में। अच्छा अच्छा, पूर्वजों की याद में आपने आपने अपने सब बेटे बहू सब बिटिया दमा सबको बुलाया। तो आंटी की भागवत कितने दिन की आंटी भागवत है? आठ सात दिन की भागवत होती है। तो ये वीडियो जहाँ जहाँ जाए सब लोग आइए, मंदिर में भागवत हो रही है, वो आंटी करा रही हैं और सब लोग आनंद लो, प्रसाद ग्रहण कीजिए। सब लोग आइए, सब लोग आइए। और बोलो राधे राधे। ये इनकी बड़ी बहू है। आप लोग भी भागवत सुनने आए हो? हाँ जी बिल्कुल आए, आप सब लोग भी आइए, शाम को 4 से 8 तक रहेगी। अच्छा, और 7-8 दिन चलती है ना, तो आप लोग तब तक रहेंगे यहाँ पे हैं? चलो ठीक है, अपनी मम्मी का ख्याल रखना। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने बहुत मेहनत करी, काफ़ी वही कमज़ोर हो गई आंटी वाले। ठीक ठाक, मोटा तगड़ा करके भेजेंगे। हाँ ठीक ठीक, जूस वूस पिला के खूब। चलो ये राधे राधे। और सबसे पहले हम आपको मंदिर के सभी भगवानों के दर्शन, हनुमान जी थे और ये हैं भगवान, आप विष्णु भगवान और ये कृष्ण भगवान। एक एक करके मैं आपको सारे भगवानों के दर्शन करा दूंगी, क्योंकि भगवान के मंदिर में जब आप इंट्री करो, ये गणेश भगवान, तो सर्वप्रथम भगवानों के दर्शन और उनके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सभी लोगों को, श्री राम भगवान की है। और इस तरह से हमने सारे भगवानों के क्रम में आपको दर्शन कराती जा रही हूँ। और दर्शन कराने के बाद शुभारम्भ सभी भगवानों को दर्शन करके ही, किसी भी बड़े काम का शुभारम्भ होता है, तो सब भगवानों को आशीर्वाद लेके फिर हम आपको आगे का सारा वीडियो ब्लॉग दिखाएंगे। जो आप बने रहिए मेरे संग और देखिए। और उधर पे पूजा शुरू होने वाली है, तो तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा समय बाकी था, तो मैंने सोचा चलो मंदिर के भगवान के दर्शन करा दें और फिर इसके बाद आंटी की पूजा में शामिल हो जाएंगे हम लोग। तो ये देखिए आंटी की पूजा शुरू हो गई है, अंकल आंटी खड़े हैं और पंडित जी वहाँ पे पूजा शुरू कर दी है। और जब शुरुआत पूजा की शुरू हुई तो जल्दी जल्दी आगे का भी आपको सबको देखने को मिलेगा। तो चलिए हमारे संग बन रही है। वंदे वाजत्राणि चक्राजरसं तनूनां मावद्रासो जद्रविदरो भवन्ति मानो मध्यारिरीगतायुर्गन्धो अतिदिरदौरतिदिनन्दर्घ्यमतिदिरम्। उमा आंटी की भागवत की कलश यात्रा शुरू हो गई है और आप लोग देखिए इनको, हम आपको सीधा सीधा पूरा दिखाएंगे। हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या नाथ की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ बाबा की जय। इधर से चलो, और आंटी की कलश यात्रा निकली और सभी लोग उसमें शामिल थे। और बहुत ही तेज़ धूप थी, टाइम 9 या 9:30 बजे का था, लेकिन गर्मी की जब कोई भी कार्यक्रम होता है धूप तेज़ हो ही जाती है, तो लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा वो था, खुशी थी और श्रद्धा थी भगवान के प्रति। सभी लोग उस धूप में भी जा रहे थे और सभी लोग आगे आगे बढ़ रहे थे और उनकी भजन के साथ ही उनकी शुरुआत हुई। नाथ नारायण।
आदमी यात्रा आंटी के घर तक आ गई और सब लोग उसमें शामिल हैं। घर में पूजन चल रहा है उनका और पूजा करने के बाद सभी लोग बाहर निकले हैं, अब आगे की तरफ फिर से बढ़ेंगे।
कलश स्थापना संपन्न हुई, सब लोगों ने अपने अपने कलश रखे। फिर मंदिर के सबसे सीनियर दीक्षित अंकल हैं, उनसे बात करते हैं। सानिध्य में होगी आपके बुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत का। अच्छा, ये आयोजन आनंद मंदिर में आज दिनांक 26 मई से और 31 जून तक चलेगा। 2 जून को भंडारा है, सभी लोगों को प्रसाद ग्रहण करना है। हमारे दादा और भाभी इस आयोजन में मुख्य यजमान है। परीक्षित का अदा करेंगे व्यास जी के मुखार बिंद से। व्यास जी का पदार्पण उस पवित्र भूमि से हुआ है जहाँ से गौरियापुर के गुरुदेव राम स्वरूप दास जी जो उस समय के तत्कालीन महाव्यास थे उनके मुखार बिंद से जिनको भी कथा सुनने का मौका मिला वो तर गए, वो धन्य हो गए। हम लोगों का ऐसा सौभाग्य रहा कि हमारे ग्राम में नौगुआ में बचपन में मैंने उनकी कथा सुनी थी। तो आज मुझे बड़ा सौभाग्य है, आनंद मंदिर का बड़ा सौभाग्य है कि उन्हीं पवित्र जन्मभूमि से हमारे व्यास जी आनंद मठ मंदिर में भक्त कथा का अपने मुखार बिंद से दर्शन करेंगे, जिसका सर्वणामृत हम लोग अपने कानों से करेंगे। हम लोगों के मन वचन कर्म से उनकी श्रीमद् भागवत का सम्मान करेंगे। ईश्वर की बड़ी कृपा है और हम अपने आदरणीय अग्रज भाभी जी के बड़े आभारी हैं कि जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से लगन से ये शुभ अवसर इंदिरा नगर वासियों को प्रदान किया है। हमारा इंदिरा नगर वासियों से अनुरोध है भारत को भारी से भारी संख्या में आके इस भव्य आयोजन में उस व्यास व्यास कथा से व्यास मिलकर उनका आनंद लें। धन्यवाद।